अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बॉक्स टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में घर के अंदर जो वॉशिंग मशीन के लिए जो जगह बनाई जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे कि घर के अंदर वॉशिंग मशीन के जो पॉइंट हैं वो किस तरह रखे जाते हैं, और उसमें जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आजकल ज़्यादातर आम रूटीन जो चल रही है वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की है, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पॉइंट किस तरह रखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, ये एक वॉशिंग मशीन के पॉइंट हैं, इसमें ये साइड गर्म की है और ये ठंडे की है, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी पॉइंट है, ये भी इसी तरह एक गर्म के एक ठंडे के हैं, ठीक है। और ये इसका जो ड्रेनेज है, 2 इंच का पाइप ड्रेनेज यहाँ से इसके अंदर आ रहा है, और ये दूसरी वॉशिंग मशीन की ड्रेनेज का पाइप यहाँ इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। ये इसका फ्लो ट्रैप भी आप कह सकते हैं, इसको पी ट्रैप जो भी है, ये ड्रेनेज के लिए ये ख़ासतौर पर बनाया गया है। और इसके अंदर ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये एक अदद वाल लगाया है, मेन वाल है। अगर कुछ इसके अंदर रिपेयरिंग वगैरह करनी हो, कुछ काम वगैरह महबस वगैरह चेंज करना हो वाल वगैरह, तो यहाँ से ही इसको बंद करके तो अपना काम जो है ना यहाँ से कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ से इसके ऊपर देखें, ऊपर से मेन लाइन आ रही है, ये ऊपर सबसे आखिर में देखें, ये वाटर हीटर लगाया गया है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है, और ऊपर उसकी जो तारें हैं वो वहाँ ऊपर रखी हुई हैं। ये बिल्कुल इसकी हाइट पर रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर वो सीलिंग आनी है, तो ये तारें जो है ना ज़्यादातर छत के ऊपर ही इसकी डाली गई हैं। जो इंस्टेंट वाटर हीटर आए हुए हैं आजकल इलेक्ट्रिक के, तो इसके अंदर वो ही लगाने हैं। तो वहाँ से मतलब वो वाटर हीटर है, उसके अंदर मतलब दो लाइन जो कनेक्शन हैं PPRC फिटिंग के, वो तो आपको पता है कि किस तरह लगाए जाते हैं। जो जॉइंट वगैरह के बारे में तो काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई हैं, मजीद कुछ जो PPRC फिटिंग के लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो PPRC फिटिंग है, जॉइंट किस तरह किए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तो वो वीडियो आप इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। मजीद जो वीडियो है ज़्यादा आप उसमें चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक के प्लम्बिंग के काफ़ी सारे वीडियोस मौजूद हैं, इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसी तरह ये जो पॉइंट है, वैसे तो इसकी जो पॉइंट है, जो मिक्सर बाथ मिक्सर के जिस तरह पॉइंट होते हैं, 6 इंच के फासले पर आप रख सकते हैं। अगर मिक्सर लगाना हो तो मिक्सर आप लगा सकते हैं, नहीं तो 6 इंच 8 इंच के फासले पे आप लगा सकते हैं। जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है उसमें गर्म और ठंडे दोनों पॉइंट लगते हैं, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब यहाँ पे ठंडे का भी मौजूद है और गर्म का भी मौजूद है। इसी तरह जो दूसरा है इसमें भी ठंडे का मौजूद है, गर्म का मौजूद है। इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कम अज़ कम जो है ना वो 4 फीट से ऊपर रखनी चाहिए। अब ये इसकी तकरीबन 4.25 फीट इसकी जो हाइट है, 4.25 फीट इसकी हाइट रखी है, तो 4.25 फीट से ऊपर ही रखना है, 4 इंच से अपना 4 फीट से ऊपर ही रखें, 4 फीट से कम ना रखें। तो इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं, ये सॉकेट के लिए ये बोर्ड दिया गया है, ये इधर जो वॉशिंग मशीन लगेगी उसके लिए ये पॉइंट है, और जो दूसरी वॉशिंग मशीन है उसके लिए यहाँ पर ये बोर्ड अलग से दिया गया है। तो इसी तरह ये है मतलब इसकी जो तरतीब है, ये जो ड्रेनेज का पाइप है, 2 इंच का पाइप है, ये इसको ऊपर इसलिए रखा है, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर मोटर लगी होती है जो पानी को सक करके मशीन से बाहर फेंकती है, तो इसलिए इसके जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होते हैं उसके जो पाइप हैं उसकी हाइट ऊपर रखी जाती है। जो नॉर्मल वॉशिंग मशीन होती है उसके पाइप तो नीचे मतलब यहाँ ज़मीन के साथ ही रखा जाता है, क्योंकि वो वहाँ से ही पाइप अंदर आता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसके जो पॉइंट हैं वो ऊपर ही रखे जाते हैं। जिस तरह ये रखा है, जैसे वॉश बेसन के पॉइंट रखते हैं, सेम ही उसी तरह इसके जी भी पॉइंट इसी तरह ही रखे जाते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।